में नहीं था, मैं अभी अभी आया हूँ लौट के, बहुत जेट लैग था। तो एक दिन मैं अभी कल रात की बात है, कल रात की बात है कि मैं एक फेसबुक में गया मैं अपनी, और मेरे को किसी फेसबुक मैसेंजर में एक फ्लायर ब्लास्ट किया मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि सर आप क्या इस कोई आपका कोई इवेंट हो रहा है, आप जुड़े हुए हैं। मैंने उस फ्लायर में देखा और मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया। उस फ्लायर में मेरी फ़ोटो थी अलॉन्ग विथ जस्सी रंधावा की, और उन्होंने बोला कि वो आप रोहित वर्मा का शो 15 सितंबर को हम ऑडिशन कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपये। ओके, आप 2,000 रुपये रजिस्टर कीजिएगा रोहित वर्मा के नाम पे, और आपको उस ऑडिशन में हम बुलाएंगे, और फिर हम सिलेक्ट करेंगे। हम रोहित वर्मा का शो 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को दिल्ली के ताज होटल में हम कर रहे हैं। ओके, सो मेरे को देख के बहुत चकित हुआ। खैर, बिकॉज मैं थोड़ा सा जॉम्बी था, जेट लैग था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, और मैंने अपने दोस्त को नंबर दिया कि तुम जरा इस नंबर पर फ़ोन करो। कोई कोई लोग मजाक भी कर देते हैं। जब उन्होंने मेरे दोस्त उस नंबर दिया उस लड़की का, उधर एक मंदाकिनी नाम की लड़की ने फ़ोन उठाया और कहा कि वेल यस, हम रोहित वर्मा का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 2,000 रुपये। आपने उन्होंने एक पेटीएम नंबर दिया उस लड़की ने कि आप उनको ये पैसा आप इस पेटीएम में डालिए, और हम आपको रोहित वर्मा के शो में डाल देंगे। मेरा ऐसे शो से कोई लेना देना नहीं है, आई एम वेरी शॉक। तो आज कल संडे था, तो मैंने कल का दिन मैं जाने देता हूँ। मैं आज सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन गया और मैंने उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन लॉन्च करी है, और मैंने दिल्ली क्राइम पुलिस को भी एक ईमेल इमीडिएटली मैंने ब्लास्ट किया, और ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई पूरे मीडिया में। क्योंकि ऐसे बहुत से फ्रॉड एजेंसीज हैं जो डिज़ाइनर्स के नाम पे इतना पैसा वसूल रहे हैं लोगों से, हमारे नाम पे हमारा नाम यूज़ करें गलत तरह से, और बहुत सारे जो इनोसेंट बच्चे हैं जो इस फील्ड से बहुत आकर्षित हो जाते हैं, वो इसका बलि का बकरा बन जाते हैं। मैंने अभी अभी 1 घंटे पहले अपने फेसबुक में इसको फ्लायर को डाला है फेसबुक में, और अपनी कंप्लेंट की कॉपी डाली है। मैं अभी तक चुप इसलिए बैठा था बिकॉज आई वॉन्टेड लॉन्च अ पुलिस कंप्लेंट, आई वॉन्टेड लीगल मैटर जो है ये, वो मेरे को स्टेप बाय स्टेप करना था। अभी अभी 1 घंटे पहले एक मीडिया जी आए थे मेरे पास, और उस का लड़के का जो जिस लड़के का नंबर है मोबाइल का, उसका मेरा फ़ोन चल रहा था। वो कोई लक्ष बत्रा का नाम रहता कि उन्होंने हमको हायर किया है और उन्होंने हमसे ये सब करवाया, और उसको तो कोई गिल्टी नहीं है, उसको कोई गिल्ट नहीं है, और वो कह रहा था कि आपको जो खाड़ना है मेरा खा लीजिए। तो मैं पूरे भारत की जनता से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। पुलिस से अनुरोध करूँगा इनके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर है। ऑलराइट, और मेरे को नहीं पता ये कब से ये फ्लायर इनका चल रहा है, कब से ये डाल रहे हैं, या इन्होंने कितने पैसे ले लिए हैं एटीएम में, पेटीएम से, और ये क्या मैटर है ये। पुलिस, मैं चाहूँगा पुलिस उसके अंदर तफ्तीश करे। पुलिस वालों ने क्या कहा जब आपने एफआईआर दर्ज कराया तो उनका मतलब? मैंने उनको कंप्लेन रजिस्टर्ड दिया। ओके, एफआईआर उन्होंने किया कि नहीं किया आई हैव नो आइडिया, पर मैंने उनको जो कंप्लेन रजिस्टर किया उसकी कॉपी, असिस्टेंट कॉपी मैंने मीडिया को दे दी है। जी, और यदि आप कुछ कहना चाहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यू नो इट्स वेरी सैड। ओके, हम लोग बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाते हैं, ऐसे ही लोगों के नाम वजह से हमारे लोगों का नाम बदनाम हो जाता है। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी डिज़ाइनर के फैशन शो में चलने के लिए हम पैसा देते हैं मॉडल से, हम लेते नहीं हैं। ओके, ग्रूमिंग स्कूल जो चलाते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। तो कोई भी अगर किसी भी डिज़ाइनर का नाम लेता है, चाहे वो कोई भी बड़ा डिज़ाइनर का नाम लेता है, उन लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि हम डिज़ाइनर्स पैसे नहीं लेते। अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स पे अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप मेरा कपड़ों को अच्छे से कैरी ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इंडिया में टॉप कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको अप्रोच कीजिए, टॉप कोरियोग्राफर्स को अप्रोच कीजिए। आप अपने ऑडिशन का एक वीडियो हम लोगों को भेजिए, अपना वॉक करते हुए, अपनी साइड प्रोफाइल, अपनी फ्रंट प्रोफाइल। ये एक करेक्ट प्रोसेस है डिज़ाइनर्स को अप्रोच करने का, यानी कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे ऐठ ले इस तरह के और आप बेवकूफ़ बन जाए, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। मैं अपने जो पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चों को इस फील्ड का बहुत ज़्यादा लाइक क्रेज़ है, वो लोग को भी सतर्क रहना चाहिए कि वो किसी के अंडर इस तरह से स्कैनर पे नहीं फंस जाए। कि कितने पैसों की धोखाधड़ी का मामला है लगभग? आई हैव नो आइडिया। देखिए आई टेल यू, ये देखिए मैं भी कैसे, मे बी उन्होंने अभी तक अभी बनाया हो फ्लैट 2 दिन पहले, शायद उन्होंने 10,000 कमाए हो, शायद 10 लाख कमाए हो, इसका तो मैं कमेंट नहीं करता। इसका तो
जब आप वो जो जिनका फ्लैट पे नंबर है, जिन्होंने फ्लैट ब्लास्ट किया है, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे उन्होंने कितना फ्रॉड से कितने पैसे कमाए हैं। पोस्ट कर दीजिए, कर दिया। Information about this auditions which is happening. Okay, this audition will be on Delhi on 15th of September. Okay. Rest information, my assistant will tell you the second number which is in. No, actually, मैं मिल नहीं रहा था number. तो मैं ये मिस्टर रोहित वर्मा के अपने पार्ट लेने के लिए कर रहे हैं, कैसे है ये शो? ये उनके लिए है, मतलब ये उन्हीं के लिए कल्चर वीक का है, मतलब पूरे उन्हीं के ड्रेसेस पहनेंगे पूरे वीक इस तरह। अच्छा, उनका मतलब ये उन्हीं का शो है, मतलब ये उसमें डिजाइनर है। हाँ, ये जो मैम ये वही है जो बिग बॉस वाले रोहित वर्मा थे। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, उन्हीं का शो है। तो मैम आपका क्या एजेंसी इनके साथ क्या है? हाँ, we are working as a coordinator for this designer. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसका मैम कोई फीस वगैरह है? हेलो मैम, इसकी कोई फीस है? फीस 2000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑडिशन होगा ना, इसलिए तो मैम वो फीस जो है वो कैसे मतलब कहाँ पे डिपॉजिट करानी होगी? इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, इस नंबर पे क्या मतलब आप इस ये मेरे वाले नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं मैम? अभी क्या भेजना है आपको मैम, के मतलब पेटीएम कहाँ करना है, क्या आपको हमारे से क्या डिटेल चाहिए? अच्छा, और ये सब इधर से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आपके यहाँ से? जी, मेरे को ही पार्टिसिपेट करना है। मैं एक्चुअली हमने मैंने एक्चुअली काफी मॉडल शूट वगैरह करे हैं। ओके ओके, तो वो मैंने अभी देखा तो मैंने कहा एक बार पूछ लूँ। अच्छा, तो आप मुझे इस नंबर पे पिंग कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? और दूसरी चीज ये कि मैं अभी जस्ट निकल रही थी, थोड़ा बाहर निकल रही थी, तो मैं अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगी, ठीक है? अच्छा, आपको पिंग कर दूंगी, मैं मंदाकिनी बोल रही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से ही है ये, इनका मतलब हमें दिल्ली आना पड़ेगा? हाँ, दिल्ली आना होगा। आप रहते कहाँ पर है? मैं रहता हूँ गाजियाबाद। गाजियाबाद ना, गाजियाबाद और दिल्ली में कितना फर्क है, पास में तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और मैम इनका रोहित जी का शो कहाँ पे है? रोहित वर्मा का ताज पैलेस न्यू दिल्ली। अच्छा, ताज पैलेस न्यू दिल्ली अक्टूबर में शो है। सितंबर में होगा, सितंबर से अक्टूबर तक। अच्छा, तो मैम ये प्रोफाइल हमें खुद आके देना पड़ेगा आपके हाथ से कि मेल करना पड़ेगा? आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मैम अभी कर सकते हैं क्या? मैं एक्चुअली मुझे दिल्ली आना था कल, तो मैं फिर अपनी सब डिटेल आकर मैं आपको कैश हाथ से ही दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको ना शाम तक बताती हूँ, ठीक है? आप मुझे इस नंबर पे पिंग कर दीजिए अपना ये व्हाट्सएप नंबर जो भी हो आपका, आप मुझे पिंग कर लीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम। ओके, उसके बाद इन्होंने जब पिंग किया तो इन्होंने कहा कि पेटीएम नंबर इज 7835820567, आई विल सेंड यू ऑडिशन डिटेल्स शॉर्टली। फिर उन्होंने कहा रोहित वर्मा इज फॉर फीमेल मॉडल्स एंड रोहित बाल इज फॉर द मेल मॉडल्स। नहीं, मेरे से उनसे कोई बात हुई है? आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, आई कैन नॉट फाइट फॉर अदर्स, नो। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट यू नो आई हैव टू टेक अ कॉल बिकॉज यू नो फोटोग्राफ मेरी फ्लैश की है इन्होंने, और क्या कहते हैं कि मैंने अभी एक फ्लायर मेरे को नया और दिखा है जिसमें रोहित बाल की है। ये कौन है लड़की? अरे ये मंदाकिनी है, मॉडल कोऑर्डिनेटर, जिनकी आपने आवाज़ सुनी होगी। और ये है देवम पांडे, मॉडल कोऑर्डिनेटर। अच्छा। ये और इनके नंबर जो फ्लैश हुआ है, एक नंबर इनका फ्लैश हुआ है +916836698692908555, मोबाइल नंबर 7835820567। ऑडिशन
15 सितंबर रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2,000 रुपीज। ये कहाँ, फेसबुक पे है ना? ये हर जगह फ्लैश हुआ है, किसी ने मेरे को भेजा है फैन पेज पे। ओके ओके, ये हर जगह फ्लैश है। अगर हमको इनके डायरेक्ट पेज से उठाना हो, बताना कि ये पेज ही गलत है भैया, मेरे को देखिए जो आया था मैसेज, वो मेरे को मैसेंजर पे किसी ने भेजा था परसों रात को। ये है, इन्होंने मेरे को ये मैसेज, ऐसा कोई शो कर रहे हैं आपका? हमने कहा नो, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को दिल्ली आने के बाद ये सब क्या चल रहा है। ओके, फिर उन्होंने कहा ये फ्लायर है, उन्होंने एक और फ्लायर मेरे को भेजा, सी दिस न्यू वन, समवन इज सेंडिंग मी दैट फ्लायर, टोल्ड मी इफ यू वांट द शो देन टेल अस टू गिव 2,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन। जी, तो ऐसे लोग बहुत फ्रॉड करते हैं डिजाइनर्स का नाम लेके, फिर हम लोग बदनामी पे आ जाते हैं कि लाइक यू नो हम लोग ऐसे करते हैं, पर कोई भी डिजाइनर पैसे नहीं लेता अपने शो के, हम तो पैसे देते हैं इनफैक्ट मॉडल्स को। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट मीडिया टू टेक एन एक्सट्रीम दैट, और स्टोरी को आप बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्यूटीफुल से तरह चलाएं, सो दैट कि जो इनोसेंट लोग जैसे गाजियाबाद और सतना कटनी जबलपुर में जो ऐसे लोग रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आकर्षित होते हैं इस लाइन से, ऐसे फ्रॉड से उन लोग को बचना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, ये सब कुछ आप भेज दीजिएगा।